ये मालूम हो गया कि रसूल का कौन है और रसूल का कौन नहीं है, किसका रसूल पर ईमान है और कौन रसूल पर ईमान नहीं रखता है। तो अब जो है ईमान का तकाजा यह है कि अपने ईमान की हिफाजत करो, इस निस्बत की हिफाजत करो। रसूल वाले हो गए तो रसूल वाले हो गए तो अब रसूल वाले रहो और इस निस्बत की हिफाजत करो। और इस निस्बत की हिफाजत जो है वो उसी वक्त हो सकती है कि ईमान वाले जो है जुदा रहें बेईमानों से। यही तो मेरे सरकार का इरशाद है, इय्याकुम वइय्याहुम, उनसे दूर रहो और उनको अपने आप से दूर रखो। ला युगिल्लूनकुम वला यफ्तिनुनकुम, कहीं तुमको गुमराह न कर दे, कहीं तुमको फितने में डाल दे। बहुत से नात पढ़ने वाले, बहुत से रसूल का कलमा पढ़ने वाले, नियाज करने वाले, फातिहा करने वाले, गौस की 11वीं करने वाले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं करने वाले, मीलाद करने वाले जो है मालूम नहीं नादान है या दानिश्ता नादान बनते हैं। कहते हैं कि नमाज तो हमारी सबके पीछे हो जाती है, नमाज तो हमारी जो है वो सबके पीछे हो जाती है। मैं नहीं कहता हूँ, ये रसूल गिरामी वकार कि जिनके एक एक बात को मानना जो है वो ईमान है, मुसलमान होने की शर्त है, उनका इरशाद है ला तुनाकिहूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहूहुम वला तुआकिरूहुम वला तुशारिकूहुम वला तऊदूहुम इज़ा मरिज़ू वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू मअहुम। अरे इनके साथ मत बैठो, इनके साथ खाना पीना मत करो, इनके साथ जो है शादी ब्याह मत करो, और ये जब मर जाए और जब ये बीमार पड़े तो इनकी इयादत को मत जाओ, इन्हें देखने मत जाओ। वला तुसल्लू अलैहिम, और ये मर जाए तो इनके इनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, और वला तुसल्लू मअहुम, इनके साथ नमाज मत पढ़ो, इनके साथ एक सफ में खड़े होकर के नमाज मत पढ़ो। तो रसूल को ये मदमदा कर रहे हैं, एक सफ में इनके साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ना जो है वो रसूल को पसंद नहीं है, तो इनमें से किसी को इमाम बना लेना जो है वो रसूल को पसंद होगा। अल्लाह अकबर। और रसूल तो रसूल है, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ वला तुसल्लि अलैहिम माता अबदन वला तुसल्लि अला अहद मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री, इनमें से कोई मर जाए जो तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं रखता है, बज़ाहिर तुम्हारा कलमा पढ़ता है लेकिन तुम्हें से तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं रखता है, तो तुम उनकी जो है उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो और उसकी कब्र पर खड़े होकर के दुआ मत करो। तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को छोड़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को छोड़ेगा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ेगा तो उसको जो है खुदा की राह नहीं मिल सकती है, वो खुदा वाला नहीं हो सकता है, उस सिराते मुस्तकीम वाला नहीं हो सकता है। सिराते मुस्तकीम वाला वही होगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की एक एक बात को मानेगा। हम अहले सुन्नत वल जमात में और दूसरों में फर्क यही है कि हम दीन की सब बातों पर ईमान रखते हैं और वो बज़ाहिर जो है नाम लेने को जो है दीन का नाम लेते हैं लेकिन बहुत सारी दीन की बातों के वो मुनकिर हैं।